ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज फिर से हम जा रहे हैं नगरोटा बगवा के मुंदला गांव में। आपको लगभग एक महीना पहले मैंने एक ऐसे रूबरू करवाया था, एक परिवार की दयनीय स्थिति थी। वहां पर जो परिवार का मुखिया है वो कैंसर पीड़ित है और साथ में एक बैंक के लोन से वो दब गए थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने आपको उनके बारे में अवगत करवाया था, उनका वीडियो बनाया था, आपको एक एक पॉइंट से रूबरू करवाया था। तो उसके बाद दोस्तों, आप सभी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और उनकी जो समस्या थी बैंक लोन की, वो काफ़ी ज़्यादा उसका निजात हो चुका है। थोड़ी बहुत समस्या बची है और हमारा वीडियो देखकर कुछ और दानी समाज से भी जो व्यवसायी हैं, बड़े बड़े व्यवसायी, जिसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा नगरोटा बगवा से प्रवेश चोपड़ा जी, और पालमपुर से मैं नाम लेना चाहूँगा बुद्धा मल ज्वेलर्स का, आपने नाम ही सुना होगा। वो नामी ग्रामी हस्ती भी आ रहे हैं यहाँ पर, और ये पीछे गाड़ी आ चुकी है तो ये गाड़ी चलेगी। मैं इनका वेट कर रहा था, तो ये भी आज आए हैं, कुछ ना कुछ ये भी सहयोग करेंगे। तो क्या कुछ सहयोग इनकी तरफ से रहेगा जरूर मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ, ठीक है, चल। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज फिर मैं नगरोटा बगवा के मुंदला गांव में आया हूँ, जो मैंने आपको लगभग एक डेढ़ महीना पहले एक ऐसे रूबरू करवाया था, अवगत करवाया था। एक परिवार की बहुत दयनीय स्थिति थी, उनके घर में दोबारा से हम पहुंच चुके हैं। केवल सिंह जो नाम था और कैंसर पीड़ित हैं और एक लोन के उस समस्या से घिरे थे। तो आज जाने माने व्यवसायी और समाज से भी आज हमारे साथ यहां पर आए हैं और बिल्कुल घर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस तरफ से चलते हैं। तो यहां पर मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं अपने मतलब शब्द छोटे पड़ रहे हैं कि आज कौन कौन सी हस्तियां यहां पर पहुंची हैं, आई हैं। तो सबसे पहले तो सतीश करवल जी यहां पर आए हैं, आप सामने देख रहे हैं, जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सहायता राशि आज यहां पर देंगे। ये मकान मैंने आपको पहले भी दिखाया था यहां पर, तो आज जायज़ा करने आए हैं। ये खुद यहां पर अपना व्यवसाय का, इतना इनका बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद भी इन्होंने इनकी समस्या को देखा और खुद आए हैं यहां पर जायज़ा करने के लिए। तो आज क्या कुछ होता है, क्या कुछ ये सेवा अपनी तरफ से देते हैं, वो देखते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स में आप सबका स्वागत है। तो सतीश करवल जी, प्रवेश चोपड़ा जी और सर साथ में हैं, सुनील नागपाल जी, सॉरी। तो यहाँ पर एक सर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज स्पेशली यहाँ पर आए हैं, मुंदला गांव में पहुँचे हैं और पालमपुर से, और सभी जाने माने मतलब व्यवसायी हैं, इनके बारे में कुछ बताना कहना आप तो चेहरे देख ही समझ चुके होंगे। तो आज देखते हैं, आज यहाँ पर आए हैं, इस परिवार की स्थिति क्या है, क्या कुछ इनका बना है। पहले भी हमने आपको एक डेढ़ महीना पहले हम आपको बताया था कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी, मतलब इन्होंने आपको खुद बताया था कि सुसाइड करने की नौबत आ चुकी थी, इस स्थिति में पहुँच चुके थे, क्योंकि लोन लिया था घर बनाने के लिए लेकिन लग गया बीमारी के ऊपर। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं। कोई गल नहीं, बैठे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर 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 तो दोस्तों, आज हमारा मतलब सौभाग्य की बात ही कह सकते हैं कि सतीश करवल जी, जिनके साथ हमें बैठने का मौका मिला है, साथ में देखिए सभी यहाँ पे व्यवसायी हैं। समय आपको पता है इनका, एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होती है, फिर भी यहाँ पे आज आए हुए हैं। और वीडियो को आप, जैसे कि आपको पता है कि शेयर करना होता है, लाइक करना होता है, ताकि पूरे समाज तक ये संदेश जाए कि हम अपने परिवार के लिए तो लगे रहते हैं, अपने घर परिवार के लिए तो सभी लगे रहते हैं, लेकिन दो दूसरों के लिए, दूसरों की जो पीड़ा को जो समझता है, दूसरी की दूसरों की समस्याओं का जो समाधान करने के लिए जो आगे आता है, तो उनको वही है कि भगवान का रूप ही कहा जाता है, क्योंकि जो दूसरों की पीड़ा को जानता है। तो आज यहाँ पर सतीश करवल जी आए हैं, तो थोड़ी सी हम इनके साथ भी बातचीत करते हैं। कितना गरीब परिवार है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है, ऐसे आदमी मदद करनी चाहिए। जी जी जी। तो मेरे मन में आया कि मैं इनको उसी टाइम मैंने डाली कि मैंने कुछ ना कुछ जरूर दूंगा जो मेरे से बन पड़ता है। जी 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 जी। तो पीछे मैंने प्रवेश जी, मेरे दोस्त हैं साथ में, सुनील जी मेरे साथ आए हैं पालमपुर से, मैं से बात की तो प्रवेश ने बोला मैंने हौसला दिया, मैं आपके साथ चलूंगा, आपका घर बताऊंगा उनको। जी जी। तो पीछे मैं
15-20 दिन पहले गया था, ये सारा परिवार दिल्ली गया हुआ था। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस टाइम पे वापस चले गए हम। आज फिर मेरा बूढ़ मैंने फोन किया परवेश जी को। जी जी आइए दोबारा आप आए। मैं यही है कि एक बार आके दोबारा फिर से ऐसे परिवार की मदद जरूर करनी है। जी जी जो ऐसा परिवार मेरे को मिलेगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स आप का मतलब सदा आभारी रहेगा कि हम जो भी केसेस उजागर करते हैं उनमें आप सभी का ही सहयोग रहता है। आप सभी का सहयोग से ही मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जितनी भी जटिल से जटिल समस्याएं होती हैं। हाँ जी ठीक ठाक है ना? अच्छा जी अच्छा। नगरोटा हेल्पिंग एंड से प्रवेश कने मैं तुम्हें तेरी फोन की तो थे नहीं थी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है चलो ठीक है। बाकी आज तो हाँ स्पेशल धर्म पालमपुर से आए हो ना? पहले भी आए थे तो वहाँ थे नहीं। ठीक है बुद्धा मल ज्वेलर्स तो हैं पता ही है, सारी दुनिया ही जानती कने सारे दियाँ मतलब अपनी नेक कमाई का हिस्सा सारे देंदे रहेंदे हर कुछ देंदे। ठीक है कई कुड़ियों के ब्याह होंगे पता नहीं कितने ब्याह करवाए साढ़े उन्हें गिनत गिनती नहीं है और कई सारी समस्या होंदियाँ तो इन्हों का समाधान करते तो थोड़ा भी इन्हें पता लगा कन आज आए उन्हें। ठीक है तो आज तुम्हें कुछ सहायता करना चाहते जोड़ा थोड़ा था एक बीमारी थी कने कन्ने थोड़ा लोन केस वगैरह था चलो तुम दसने बाकी क्या कुछ रहा सर दिख लेंगे। हाँ जी हाँ जी सर आपकी तरफ से क्या सहयोग है इनके लिए? मैं इनको लिए 51,000 दे रहा हूँ। अच्छा 51,000 रुपये 51,000 रुपीज़ आप इनको दे रहे हैं। आप यहाँ पे आ जाएं कर्जा उतारे बाकी आगे भी जांच हो के करते जाएंगे ऐसी बात नहीं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से मैं करना चाहूंगा। नहीं नहीं धन्यवाद। हाँ जी मैं ये सबसे बड़ी बात होती है जी अपनी नेक कमाई का हिस्सा निकालना। ठीक है अपनी जेब में जब हाथ डाला जाता है ना सबसे बड़ी बात होती है कि अपने हाथ जेब से लक्ष्मी को निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। भगवान का किसी किसी को ये हुक्म होता है ऑर्डर होता है जो अपनी जेब से निकाल के नेक कमाई जब देना। कल आए थे पालमपुर साइड ते तीनों परसों तीनों 1,000 का चेक तीनों देते हैं। चलो हो जाना काम। तो भी लाई पाई के 2,80,000 हो गया भी मतलब क्या कितना कर गया टोटल कितना कर गया आपके पास 4,80,000 तो कुछ बैंक वाले नहीं कुछ नहीं बड़ा जोर लगाया जी बड़ा जोर बैंक बैंक किसी ग्रामीण बैंक बाकी अब कितना बचा आपके पास जब 51,000 ही आ गया बाकी कितना बैलेंस है बैंक वालों के का देने के लिए आपके पास? 1,50,000 नहीं जो जो वो जो किया था अभी आया नहीं है 1,50,000 रुपए। अच्छा 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 आपके पास जो कैश आया 1,10,000 रुपए जो आया है वो नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के वीडियो से आया 21,000 रुपए आपको 2 दिन पहले आप बता रहे हैं कोई पालमपुर से आए थे समाज से भी वो दे गए 51,000 जी बुद्धा मल ज्वेलर से सतीश करवल जी ने आपको अभी अभी दिया। ठीक है और मतलब बाकी 1,50,000 रुपया वो अभी पाइपलाइन प्रोसेस है वो अभी ठीक है वो डायरेक्ट बैंक में जाएगा। ठीक है तो चलिए जो कुछ सहयोग है वो वीडियो आप सभी जितने भी देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि और भी वीडियो वायरल होते हैं तो जब वैसे ही समाज से भी आगे निकल कर आते हैं क्योंकि समाज से भी चाहते हैं कि हमारी जो नेक कमाई का हिस्सा है सही जगह जाए सही इंसान को मिले क्योंकि आजकल दुनिया में फ्रॉड भी बहुत कुछ होता है। ठीक है दान आता है किस लिए और जाता है कहाँ पर लग जाता है तो वो थोड़ी मुश्किल का है। तो यहाँ पर हमारा नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का यही रहता है कि हम जो भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंट करते हैं
हर चीज एक एक चीज का पहलू सब कुछ दिखाते हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी जो कुछ बाकी बैलेंस बचता है बैंक का वो भी पूरा हो जाए और जो बैंक की लोन की समस्या है उसका समाधान हो जाए। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूवर्स हैं जो पहले जो जिन्होंने हमारा वीडियो देखा था उनको तो पता है कि आपकी क्या समस्या थी, लेकिन जो आज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार देख रहे हैं उनको ये नहीं पता है 51,000 रुपया किस लिए दिया, क्यों दिया, क्या है, क्योंकि पिछला किसी जिसने देखा होगा उसको तो समझ आ जाएगा। जो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा आप बताएं कि आपकी क्या समस्या थी, तो आपका क्या बैकग्राउंड था, केवल जी पहले क्या करते थे, थोड़ा आप संक्षेप में बताएं जी। जी होजरी का काम करते थे, मतलब होजरी का काम। फिर ये मशीन लगाई, उसके बाद बीडीसी मेंबर भी रही हुई। अच्छा जी। उसके बाद इन्हें बीमार हुई तो हाँ मकान ने सोचा ही लोन लिया था, इससे बीमार हुई है लोन लेने। मतलब बैंक से लोन लिया था मकान बनाने के लिए। ठीक है जी। तो ये भी बीमार हुई है, जाने की बीमार हुई है, इससे सारा पैसा इन्हें बीमारी के ऊपर लगी है। मतलब जो लोन लिया था वो बीमारी के ऊपर लगी, क्या बीमारी क्या थी? थोड़ा बीमारी ने ब्रेन ट्यूमर हुई है। अच्छा जी। फिर इन्हें सर्जरी हुई दिल्ली एम्स। अच्छा जी। तो उन्होंने फिर सर्जरी के बाद जेड़ा भी पैसा लगता गया, कुछ रिश्तेदार दिन रहे, कुछ हाल था जेड़ा भी था हसे बाहर लगाई था। उस टाइम ना आयुष्मान कार्ड था, कोई भी हेल्प नहीं थी कि मतलब कोई कुछ करने बाहर थे हाँ तो किसी की हेल्प भी नहीं ले सके, क्योंकि मुझे जल पता लगा था मैं करने चले हाँ 2.5 साल हाँ दिल्ली रही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो लॉकडाउन जो लगा था लू वापस आई हूँ। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा यही होता है कि मैं फोन च वीडियो दिखती रही थी थोड़ी, तो मुझे थोड़े प्रवेश भाई के बारे पता चलिया कि मैं जो होर कोई मेरे बच्चे ने वो मुझे होर कोई रास्ता नहीं दसा कि इन्होंने हेल्प लै मैं ता ही कुछ करी सका कि नहीं तो हाँ नहीं निकली सकते बाहर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई कन्या इस वक्त कुड़ियां भी जवान हो रही कन्या ना ही मकान इसी कमरे कमरे कितने आपके? अच्छा एक ही कमरा है। एक कमरे में पहले भी बताया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज खुद यहाँ पे आए कि एक ही कमरा है, एक कमरे में 7 जन रहते हैं इस कमरे में। ये कमरे की हालत है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एक कमरा है यहाँ पर, ये परिवार के जो मुखिया है और कमाने वाले बिस्तर च पे ही, फिर हां जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, बच्चे भी कुछ नहीं तो एक मुन्नी है तो है किच लगी पे के बद्दी कमल तो 6-7 हज़ार भी मिलता तो ते हां खुद का खर्चा हुंदा तो हां जो भी 2-4.5 हज़ार भी कदी बीच होंदी तो ते पैसे नहीं मिलने ते है तक के 2-3 हज़ार मिलना तो किसी तक गुजारा भी नहीं होना ना सब कुड़ी के दौड़ा ना आता इतने बड़ी कमियां ना खाना पीना तो हर एक चीज जोड़ी जोड़ी के भी मतलब करे खर्च। फिर मैंने पूछा मैं भाई मैं तिने पाइया दी हेल्प लेन तो मैंने देना बड़ा बड़ा धन्यवाद कर दी भाई जेड़ा इना मेरे हाड़ी घर की कंडीशन देखी के वीडियो पाए तो सारे जी ना भी हाँ जो हेल्प की मुझे नहीं पता कुनी कुनी दिते पैसे कुनी दिते मैं सब ना धन्यवाद कर दी भाई तेरा मारी इतनी की हेल्प की भी मतलब हाँ इतने सुनरके दे बाहर कढ़ी ते भाई बाहर इन्हों का बड़ा धन्यवाद। फिर जी इस बार जी अंत ना मुझे हर महीने 1,000 रुपये पेंशन देंदे भी हर महीने जल बीमारी स्टार्टिंग हुई था मेरा बच्चा ग्रीनफील्ड च पढ़ता था तो मेरा बच्चा ग्रीनफील्ड 9वीं पास होया था 9वीं दे पेपर चले थे तल पिया बीमार हुई था उन्होंने रिजल्ट निकले पास हो गया फिर मुझे टेंशन की ना मेरा बच्चा अगे जोगी ना पिछे जोगी। फिर मैं सारा दिन प्रिंसिपल सर फोन किया सुधांशु शर्मा प्रिंसिपल। अच्छा जी। मैं सर मैं नहीं पढ़ाई सकते अपने बच्चे तो कुछ भी कर सकते तो मेरे बच्चे कुछ करा या फीस कम फिर मैं सोचा फीस कम भी करके तो मैं कुत देंगी मैं फिर तेना बोलिया कि ऐसा नहीं है तू कुड़ी की बच्चे स्कूले भेजा आप तेना फ्री बच्चा मेरा 1 साल फ्री 10 करवाई है बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीनफील्ड स्कूल है ना ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया 1 साल बिल्कुल फ्री 1 साल 10 कौन सी क्लास थी 10th class पूरी फ्री करवाई पढ़ाई हाथों मैं मतलब मुझे बोला तेना बाद फोन भी किया मुझे दिल्ली फोन भी करते थे हाल चाल भी पूछते थे इन्होंने कि क्या कितने क्या हाल है उन्होंने क्या नहीं फिर जल भी हारी थी कोई जो हेल्प होंगी तो हाँ से भी कर गए थे ना बच्चे थे जरिए डोनेशन की मुझे 70-80 हज़ार रुपये। अच्छा स्कूल दे बच्चे सारे डोनेशन ठीक 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 टाइम तो मुझे खर्चा तल होता मैं 30-35 दे सिर ते ज्यादा कितने। अच्छा 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 मुझे 70-80 हज़ार रुपये तल होते ना मुझे हथों कैश देती है सारी डोनेशन इकट्ठी कॉन्ट्रीब्यूट करके बच्चे जो पेरेंट्स वगैरह ने हाँ जी सारे सारा करती थी ना दी बदौलत हो या फिर सारे बच्चे लॉन्चमेंट किता होगा भाई कि ठीक 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 मुझे सद्या फोन किया मैं दिल्ली है सर मैं
बोले तो जब दुखी होंगे तो मेरे से स्कूल पहुंचे तो स्कूल में गई तो स्कूल में तीन जो 70-80 हज़ार रुपया 80 की लगभग 80 हज़ार रुपया तो मतलब कि तीन जो कैश देती है। अच्छा, आज आज कैसा लग रहा है जब खुद यहाँ पर व्यवसायी भी हैं, समाज सेवी भी हैं? देखो व्यवसायियों का तो समय ही नहीं है, एक मिनट का चाय भी ठंडी हो जाती काउंटर पे, ठीक है? तो ये खुद दूसरी बार आए हैं, पहली बार तो आप ओपीडी गए थे चेकअप करवाने, उसके बावजूद दूसरा पालनपुर देखो कहाँ है और मुंदला कहाँ है, उसके बावजूद भी अपना इतना कीमती समय, एक एक मिनट इनकी बहुत कीमती थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इनके लिए? ठीक है जी, तो ये था केवल जी हैं जो अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अभी इनकी बीमारी को लेकर? MRI लिखा थे ना, डेट लेडिंग है, डेट पठार ते पाई है ना, ते ना बोला 2023 दी डेट चली गई है। अच्छा, फिर ते ना 21 जुलाई दी डेट पाई है, हां जो पीडी दी है, ते 21 जुलाई ते पहले पहले हम MRI करवाई के ते रिपोर्ट दिखानी है। ठीक ठीक, तो मतलब से पाई आज गए ना पठार ते दिल्ली है, आज जाना है ते ना, तो बोला है फिर ते ना डेट लेके देनी, तो फिर मुझे देखना भी कल कहीं बीच दिल्ली जाना है MRI। अच्छा अच्छा अच्छा, हां जी MRI करवाई के ते 21 जुलाई हो है MRI दी रिपोर्ट दिखानी है। चलो ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स का। पीछे अब केवल जी जिनके हाथ में आप देख रहे हैं 51,000 रुपये हैं, जो अभी बुद्धामल ज्वेलर से सतीश करवल जी ने दिया है, साथ में प्रवेश चोपड़ा जी, साथ में सर खड़े हैं बार बार मेरे को, मैं गुस्ताखी कहूंगा, मैं गुस्ताखी कान पकड़ के गुस्ताखी है, इतने बड़े जाने माने हस्ती हैं। हाँ जी हाँ जी, नागपाल जी खड़े हैं, और ये सारी स्थिति आपको बता दी। घर एक कमरा मैंने आपको रूबरू करवा दी, यहाँ से एक कमरे में ही पूरे बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मरीज इसी कमरे में रहते हैं, तो कैसे जीवन यापन इनका हो रहा है आप खुद एहसास कर सकते हैं, इस वीडियो से देख सकते हैं। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि जो कुछ इनकी जो बकाया बचता है, लगभग अभी है लगभग 1.5 लाख से ऊपर ही होगा मेरे ख्याल ना, तो 1.5 लाख रुपया अभी भी और बैंक का है। अगर आप भी कोई समाज से भी दानी सज्जन आगे आना चाहते हैं, इन इस गरीब परिवार की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसमें अगर आप इनकी सहायता कर देंगे तो समझ लीजिए आपने साक्षात नारायण भगवान की सेवा कर दी है। तो नर सेवा में ही नारायण सेवा है। तो जो कुछ अगर जेब अलाउ नहीं करती है, अगर आप पैसे से सहायता नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते सॉरी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बनता है क्योंकि खुद समाज से भी यहाँ पर आ रहे हैं, घर घर आकर पैसे दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। और अपना आशीर्वाद जरूर दें, कमेंट करके अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट किसी अन्य ब्लॉग के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा।